मगध यूनिवर्सिटी के सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही बड़ी ऑफर लॉन्च। जी हाँ दोस्तों, मगध विश्वविद्यालय के जितने भी स्टूडेंट्स 2018-21 और 2019-22 दोनों सेशन के छात्रों के लिए रिजल्ट को लेकर बहुत ही बड़ा ऑफर लॉन्च किया है मगध विश्वविद्यालय के अधिकारियों ने। जी हाँ दोस्तों, मगध यूनिवर्सिटी के जितने भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हो, अब तो सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी, सभी स्टूडेंट्स होंगे पास। जी हाँ, सभी स्टूडेंट्स होंगे पास और कोई भी स्टूडेंट्स अब फेल नहीं होगा। एक परीक्षा नियंत्रक, मगध विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर भृगुनाथ सिंह ने एक लाइन क्लियर किया है जो सभी स्टूडेंट्स के लिए यह लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, सबसे पहले तो आप लोग इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें और अपने मोबाइल फोन का गूगल ओपन कर लें। यदि अगर आप अपने मोबाइल फोन से इस वीडियो को देख रहे हो या लैपटॉप से देख रहे हो या कंप्यूटर से देख रहे हो, फटाफट गूगल ओपन कर लो। गूगल ओपन करने के बाद आपको सर्च बॉक्स में टाइप कर देना है magadhuniversity.ac.in, लिखकर आपको सर्च कर देना है। जैसे लिखकर सर्च करोगे आपके सामने एक नया विंडो ओपन हो जाएगा। दोस्तों, मगध यूनिवर्सिटी से जुड़ी जो भी इंफॉर्मेशन आता है सबसे पहले हमारे चैनल मौर्य गुरु एकेडमी पर डाल दिया जाता है, क्योंकि हमारे चैनल पर मगध यूनिवर्सिटी से जुड़ी पल पल की अपडेट डाली जाती है। तो दोस्तों, आप लोग जैसे कि देख सकते हैं हमारे सामने मगध विश्वविद्यालय का ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो चुका है और मगध यूनिवर्सिटी के सभी स्टूडेंट्स दोनों सेशन के छात्रों के लिए बड़ी खुशखबरी है। वीडियो को कहीं छोड़कर मत जाइएगा दोस्तों, वीडियो को पूरा लास्ट यानी अंत तक देखिएगा, ठीक है। यदि अगर आप चैनल पर न्यू यूजर हो तो सब्सक्राइब कर लो, नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब का ऑप्शन दिख रहा होगा, क्लिक कर दो। जैसे सब्सक्राइब करोगे बगल में घंटी का ऑप्शन दिखेगा, उसको भी दबा दो कि मगध यूनिवर्सिटी से जुड़ी पल पल की अपडेट सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों, मगध यूनिवर्सिटी से जुड़ी आपको मालूम होगा कि पूरी जानकारी हमारे चैनल मौर्य गुरु एकेडमी पर सबसे पहले डाला जाता है। और दोस्तों, यह खबर सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है, क्योंकि दोस्तों जो स्टूडेंट्स को मन में एक चिंताएं बनाई हुई थी कि आखिर हमारा कितना परसेंटेज आएगा, कैसे हम मतलब हमारा रिजल्ट पेंडिंग में तो नहीं जाएगा, हमारा रिजल्ट हम कहीं फेल तो नहीं हो जाएंगे, ये सब बहुत सारी टेंशनें जो है स्टूडेंट्स के मन में बना हुआ होता है। क्योंकि स्टूडेंट्स अपना काम तो कर देते हैं, क्योंकि परीक्षा तो दे देते हैं, लेकिन अब परीक्षा देने के बाद कई स्टूडेंट्स के मन में चिंताएं बनी हुई थी कि आखिर हमारा फेल तो नहीं होंगे, हम पेंडिंग में तो नहीं जाएंगे। दोस्तों, मगध विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक और साथ ही साथ कुलपति और अधिकारियों ने मिलकर यह सब एक लाइन गाइडलाइन जारी किया है कि अब किसी भी स्टूडेंट्स को प्रमोटेड यानी फेलियर नहीं किया जाएगा, अब फेल नहीं होंगे कोई भी स्टूडेंट्स, और पेंडिंग में जिन छात्रों का रिजल्ट जाता है उसी समय दुरुस्त किया जाएगा। जैसे कि मान लीजिए आपका रिजल्ट जैसे कि 15 से 20 दिन के अंदर अंदर, महीने दिन के अंदर अंदर जो है जारी हो जाता है। अब 20 दिन महीने दिन के अंदर अंदर में जो रिजल्ट जारी होता है, रिजल्ट जारी होने के बाद जो है वेबसाइट पर लॉन्च होता है, वेबसाइट पर लॉन्च होता है तो कई सारे स्टूडेंट्स चेक करते हैं, चेक करने में कई सारे स्टूडेंट्स का रिजल्ट जो है फेल हो जाता है, कई स्टूडेंट्स जो है पास हो जाते हैं, कई स्टूडेंट्स जो है प्रमोटेड में हो जाते हैं। तो दोस्तों, ऐसे बहुत सारे मतलब रीजन होते हैं, कोस्ट आते हैं, ठीक ना। लेकिन अब ये ऐसा नहीं होगा। सबसे पहले तो मैं आपको यह बता दूं कि आप लोगों का रिजल्ट कितने तारीख को जारी होगा और रिजल्ट कहां तक आप लोगों का पहुंच चुका है, यानी चेक कहां तक हो चुका है, चलिए जान लेते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि 25% ध्यान से सुनिए दोस्तों, 25% जो है आप लोगों का रिजल्ट चेक हो चुका है पूरी तरह से। जी हां, 25% रिजल्ट जो है आप लोगों का पूरी तरह से चेक हो चुका है सभी स्टूडेंट्स का। 25% रिजल्ट चेक होने का मतलब यह है कि 75% और रिजल्ट चेक करने को बाकी रह गया शेष। जी हां, अब 75% कभी भी आप लोगों का जो है, कभी भी रिजल्ट आप लोगों का जो है 75%, यानी कहने का मतलब यह है कि 75% रिजल्ट चेक करने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। पर दोस्तों, अब यहां पर सवाल यह है कि आप लोगों का रिजल्ट कितने तारीख को जारी हो सकता है। तो रिजल्ट जारी होने में मैं आप लोगों को बता दूं कि कम से कम 1 month लग जाएगा, 1 month यानी 1 महीना लग जाएगा, ठीक है। आप लोगों का रिजल्ट जो है अगले माह में जारी होगा, 2nd week के बाद। जी हाँ, अब ध्यान से सुन लीजिए, यह रिजल्ट का डेट जो है आगे कर दिया गया है। अब क्यों जारी, क्यों आगे किया गया है, इसके बारे में भी जान लेते हैं। अब रिजल्ट जारी होगा 20 तारीख को, यानी 20 जनवरी को रिजल्ट जारी होगा आप सभी स्टूडेंट्स का। इसका कारण भी जान लीजिए दोस्तों, इसका कारण क्या है, क्यों 20 जनवरी के बाद जारी हो रहा है। यह रिजल्ट जारी होने वाला था जनवरी के 1st week में, यानी 2018-21 और 2019-22 पार्ट 1 और पार्ट 2 का रिजल्ट जो है जारी होने वाला था
फर्स्ट वीक में जनवरी के, लेकिन अब यहाँ पर रिजल्ट जो है जारी होगा जनवरी के थर्ड वीक में। ठीक है, थर्ड वीक में क्यों जारी होगा, इतना लेट क्यों किया जा रहा है, इसके लिए जान लेते हैं। जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट्स का रिजल्ट जो है पेंडिंग में चला जाता था, और पेंडिंग में कई स्टूडेंट्स का जो है फेलियर हो जाते थे, प्रमोटेड हो जाते थे, बहुत सारे सवाल आते थे और बहुत सारे ऐसे दिक्कतों का सामना झेलना पड़ता था। पर ऐसा अब नहीं होगा, अब पेंडिंग में जिन छात्रों का रिजल्ट चला जाता था उन छात्रों का उसी समय रिजल्ट को दुरुस्त कर सुधार करके दोबारा से रिजल्ट जो है प्रकाशित, यानी एक साथ ही रिजल्ट प्रकाशित किया जाएगा और किसी भी छात्रों का रिजल्ट पेंडिंग में नहीं जाएगा। यह ऐसा एक गाइडलाइन पालन किया जा रहा है परीक्षा नियंत्रक की तरफ से और अधिकारियों की तरफ से, यह सूचना निर्धारित की जा रही है। जल्द से जल्द यह सूचना जैसे विस्तार होगा, नोटिस जैसे ऑफिशियल जारी होगा, मैं सबसे पहले वीडियो प्रोवाइड आपको कराऊंगा और सबसे पहले जानकारी भी आपको दूंगा। तो चैनल पर आप लोग न्यूजर हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लो, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद वीडियो को शेयर कर दो अपने सभी निजी फ्रेंड दोस्तों को और सोशल मीडिया को जरूर शेयर करो। ठीक है, और हाँ, ध्यान रखो इस बात को सभी स्टूडेंट्स कि यदि अगर आप लोग अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन नहीं हो तो टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हो जाओ। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, क्लिक करो और ज्वाइन हो जाओ। आने वाली सभी नोटिफिकेशन टेलीग्राम ग्रुप में मिलता रहेगा आपको सबसे पहले। तो आई होप कि दोस्तों ये वीडियो पसंद आया हो आपको, नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे बहुत जल्द, तब तक के लिए धन्यवाद। आने वाले टॉपिक पर बहुत जल्द विचार करेंगे, आप लोग इंतजार करें और ध्यान रखें इस बात को कि आप लोगों का 25% रिजल्ट कंप्लीट हो चुका है। धन्यवाद, तब तक के लिए जय हिंद, जय वंदे मातरम।